आज का सवाल। जब बनी इसराइल फिरौन से बचा दरिया पार करने के बाद उस कौम के पास से गुजर हुआ जो अपने बनाए हुए बुतों की इबादत करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? ऑप्शंस हैं, ए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। बी, ऐ मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दें। सी, अल्लाह ने हमें बचाया, हम अल्लाह की ही इबादत करेंगे। डी, इन बुतों को इज्जत देना चाहिए लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे। जवाब देने के लिए आई प्लस टीवी ऐप डाउनलोड करें और क्विज सेक्शन में जाकर जवाब दें। इंशाल्लाह इस सवाल का सही जवाब और इनाम पाने वाले का नाम कल बताया जाएगा, तो जल्द से जल्द सही जवाब देकर इनाम के हकदार बने। हमारा कल का सवाल था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम जब पहुंचाया और मुकाबले में अल्लाह की मदद से गालिब रहे, तब कौमे फिरौन के सरदारों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? इसका सही जवाब है, ए, मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क में फसाद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। कुरा अंदाजी के मुताबिक इनाम के हकदार बने हैं। इन्हें इनाम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुताला करें इन आयतों का, क्योंकि कल का सवाल इंशाल्लाह इन्हीं आयतों से होगा। अपनी तैयारी करके कल के सवाल में जरूर हिस्सा लें। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।